वेलकम बैक एवरीवन। आने इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के ओएफएस के बारे में एंड कंपनी का भी अपडेट लेंगे ही। बट देखो हुआ क्या है कि ओएफएस होता क्या है, जब प्रमोटर्स अपने स्टेक को बेचते हैं। इस कंपनी में प्रमोटर्स कौन है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्लोर प्राइस 154 को रखा गया, तो डिस्काउंट पे जो है यहाँ पे ओएफएस लाया गया। यूजली डिस्काउंट पे ही लाया जाता है ओएफएस मार्केट प्राइस से, ताकि जो है नए लोग इंटरेस्टेड हों उसे खरीदने में, एंड प्राइस भी फिर उस डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कल का दिन जो है वो है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस ओएफएस के लिए 8th को। आप मुझसे पूछोगे, मैं अप्लाई नहीं करूंगा इसके ओएफएस के लिए, बल्कि मैं यहाँ से एक और इंडिकेशन पकड़ूंगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर एपिसोड पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो हुआ क्या है ना, सबसे पहले आपको वो समझना है, एंड यू हैव टू बी अ स्मार्ट इन्वेस्टर। दैट इज वन थिंग जो आपको, मुझे लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझना, स्पेशली इन केसेस में जब ये सामने है। तो देखो 248% का रिटर्न बनाया 2023 के अंदर ही, मार्च से लेकर दिसंबर तक। एंड एक चीज आप नोटिस करो कि यही ऐसे ही रिटर्न फिगर्स जो है बनी है IRFC में भी, RVNL में भी। अगर कभी उनका स्टेक सेल आ जाता है यहाँ पे, दोनों में से किसी का भी, तो उनकी भी वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं हैम्पर होंगे, क्योंकि वो दोनों भी थोड़े से एक्सपेंसिव जोन पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक वो फैक्टर समझना चाहिए। ऑल्दो इरकॉन इंटरनेशनल एक ऐसा बिजनेस है इन लोग का, जो मुझे लगता है यहाँ पे फिर भी एक बेटर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग बिजनेस की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रेलवे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है इस कंपनी का। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्केट कैप की, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का भी 17 पे, इंडस्ट्री का भी 22 पे। डेफिनेटली ओएफएस के बाद में होता क्या है कि वो रैली अभी तो कंटिन्यू होते हुए हमें नहीं नजर आएगी। अगर वो रैली कंटिन्यू होती तो यहाँ पे स्टेक सेल ही नहीं देखने को मिलता। तो मुझे लगता है आपको वो एक फैक्टर समझना चाहिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उस फैक्टर को समझना। एंड 154 का प्राइस रखा गया है, तो यहाँ से वैसे सपोर्ट जोन मार्क कर रहा हूँ अभी, 132 पे सपोर्ट है एंड समवेयर क्लोज डाउन टू दिस 154 आसपास का प्राइस है, जो बिल्कुल ये लेवल है प्राइस का। इसके नीचे स्टॉक ज्यादा है तो 132 तक भी हेड हो सकता है वैसे, एंड ये गैप डाउन तो देखने को मिला ही आज इरकॉन इंटरनेशनल में। देखो एक तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ पे डेफिनेटली, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। एक वो भी फैक्टर आपको समझना है यहाँ पे। एंड सेकंड फैक्टर आपको यहाँ पर यही समझना है कि अब बाकी जो कंपनीज है RVNL IRFC, उनमें फिर भी एक मोमेंटम बन जाएगा। अगर आप एक हफ्ते भर, 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए ट्रेड लोगे, बट आप इरकॉन इंटरनेशनल को वो थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे उस साइड पे भी, तो वो समझना चाहिए। दूसरी चीज, फंडामेंटल्स इंप्रूव करे थे अभी इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन प्लान है, स्पेशली ये रेलवे का, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। साथ ही में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एंड अभी न्यूज में पढ़ रहा था 30,000 ट्रेन को शायद ऐड किया जाएगा आने वाले कुछ समय में। 30,000 ट्रेन, आप समझ सकते हैं कि इस सेक्टर के अंदर कितना ज्यादा पैसा आने वाला है, मतलब क्या इंड्यूसमेंट होने वाला है। तो आप वो सोच के देखिए, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बहुत बड़ी है, एंड उसके लिए वेल पेस्ड भी नजर आ रही है कंपनी। बट फॉर द टाइम बीइंग 4 मंथ 6 मंथ फ्रॉम नाउ जो है, मुझे लगता है स्टॉक में एक कहीं ना कहीं हमें होल्ड देखने को मिल सकता है। नॉट बिकॉज ऑफ दी ओएफएस, बिकॉज रैली भी देखने को मिली है, 2-2.5% की रैली इसी साल में देखने को मिली है। बट ओएफएस के आने के बाद में भी ये चीजें जो है थोड़ी सी एडअप होती हैं, एंड पब्लिक के पास में 22% ऑफ द स्टेक है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, लास्ट 5 सितंबर 2023 ₹1.20 का डिविडेंड हमें देखने को मिला था। बाकी इरकॉन इंटरनेशनल का जो न्यूज है वो आप अपने स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। इस को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखो यहाँ मिल जाता है, स्क्रीनर के एंड पे आ जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप इसे जाकर देख सकते हो इजीली। तो उसको थोड़ा सा देखना, एंड बाकी लेवल्स के लिए तो कुछ भी नहीं है अभी। एक तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगी यहाँ से, देखना वॉल्यूम्स बढ़ेंगी, आज भी सेलिंग प्रेशर बढ़ा है थोड़ा सा, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे। और यूजली ओएफएस के पास ही आता हुआ नजर आता है जो स्टॉक प्राइस होता है, इनफैक्ट कई कई केसेस में जब तक ओएफएस पूरा होता है वो नीचे भी निकल जाता है। तो आपको इसे उस तरीके से ही देखना चाहिए मुझे लगता है। With that said, I hope you guys enjoyed this episode. Please like, share, subscribe जरूर करिएगा अगर पसंद आया तो, and I'll see you guys in the next one.